दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जिनके अधिकार को लेकर कई देशों के बीच सदियों से विवाद चला आ रहा है। उन्हीं जगहों में से एक जगह जेरूसलम है। इस जगह का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना है इस जगह के अधिकार को लेकर चलता आ रहा विवाद। इतना ही नहीं, दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसका नाता दुनिया में माने जाने वाले तीन धर्मों से है। आखिर क्या है जेरूसलम का इतिहास और इस जगह को लेकर किन देशों के बीच चल रहा है विवाद, इसके बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं। दुनिया के नक्शे में ये इतिहास इसराइल और फिलिस्तीन देश के पास स्थित है। इस स्थान को इसराइल और फिलिस्तीन देश अपने अपने राज्य की राजधानी बनाना चाहते हैं। हालांकि दुनिया के अन्य देशों ने इन दोनों देशों के इस दावे को मान्यता नहीं दी है। वहीं इस स्थान से दुनिया के तीन सबसे बड़े धर्म यहूदी, इस्लाम और ईसाइयों का बहुत ही गहरा नाता है। इन तीनों धर्मों के लिए ये एक पवित्र स्थल है जिसके चलते इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। इतिहास के पन्नों के अनुसार इस जगह पर पहली बार मानव 3500 BC के आसपास बसे थे, जिसके बाद 1000 BC में इस जगह पर यहूदी शासक डेविड द्वारा शासन किया गया था और उन्होंने इस जगह को अपनी राजधानी का दर्जा दिया था। इस स्थान पर उनके बेटे सुलेमान और पहले पवित्र यहूदी मंदिर का निर्माण किया गया था, मगर इस मंदिर को बेबीलोनियन द्वारा 586 ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया गया था और यहूदियों को इस जगह से निकाल दिया गया था। इस घटना के 50 साल बाद फारसी राजा साइरस ने यहूदियों को जेरूसलम लौटने और यहाँ पर अपने मंदिर का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी थी। जेरूसलम में कई शासकों द्वारा राज किया गया है और उन्हीं शासकों में से एक शासक सिकंदर भी थे। सिकंदर ने भी इस शहर को युद्ध करके जीता था और यहाँ अपने राज्य की स्थापना की थी। वहीं इस जगह पर ओटोमन साम्राज्य का भी शासन रहा है। यह साम्राज्य तुर्कों द्वारा स्थापित किया गया था। जेरूसलम पर ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भी शासन किया गया है। इस शहर पर पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था। जेरूसलम के जिस हिस्से पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था वो जगह इस वक्त फिलिस्तीन का हिस्सा है। वही साल 1948 में इसराइल देश बनने के बाद जेरूसलम जगह को दो हिस्सों में बांट दिया गया था और इस जगह के एक हिस्से में इसराइल का कब्जा हुआ करता था जबकि दूसरे हिस्से पर जॉर्डन देश का, जिसके बाद इसराइल ने 1967 में हमला करके पूरे जेरूसलम पर अपना कब्जा कर लिया था। वहीं इसराइल ने जेरूसलम पर कब्जा करने के बाद अरब फिलिस्तीनी निवासियों को स्थायी निवासी का दर्जा तो दे दिया लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी। इसी लड़ाई में इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में भी पूरी तरह काबू पा लिया था और इन दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी जनसंख्या है। इस समय वेस्ट बैंक को केवल दिखावे मात्र के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा चलाया जाता है जबकि यह हिस्सा इसराइल के अधिकारों के अंतर्गत चलाया जाता है। वहीं फिलिस्तीनी इसे अपना फिलिस्तीन देश मानते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के कुल 135 लोगों द्वारा फिलिस्तीन को एक देश माना जाता है। वहीं गाजा हमास जो कि एक इस्लामवादी कट्टरपंथी पार्टी द्वारा नियंत्रित है। हाल में वर्षों में कुछ इसराइली समूहों ने जेरूसलम में तीसरा यहूदी मंदिर बनाने की घोषणा की थी। वहीं इस घोषणा के बाद इस क्षेत्र में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया। फिलिस्तीन और इसराइल देश जेरूसलम को अपनी राजधानी मानते हैं। हालांकि दुनिया में जेरूसलम को इन दोनों देशों में से किसी भी देश की राजधानी की मान्यता प्राप्त नहीं है। वहीं इस जगह पर हर साल दोनों देशों के लोग तीर्थ यात्रा करने आते हैं। 35 एकड़ भूमि में फैला टेम्पल माउंट जेरूसलम में एक पहाड़ी पर स्थित है और इसी जगह पर वेस्टर्न दीवार, द डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद जैसे धार्मिक स्थल हैं। इन्हीं धर्म स्थल पर हर साल कई संख्या में मुस्लिम, यहूदी और ईसाई धर्म के लोग आते हैं। इतिहास के अनुसार इस जगह में ही पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपनी अंतिम सांस ली थी और यहाँ से ही उन्होंने अपनी स्वर्ग की यात्रा की थी, जिसके बाद इस स्थान को मुस्लिमों का पवित्र स्थल होने का दर्जा मिला और इस स्थल पर ही उनकी पवित्र अल अक्सा मस्जिद है। इस मस्जिद को मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल कहा जाता है। हर साल यहाँ पर कई लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ईसाइयों के लिए भी ये स्थान एक पवित्र स्थल के समान है। ईसाइयों का मानना है कि इस जगह से उनका धर्म पूरी दुनिया में फैला था। इस जगह पर उनके भगवान यीशु ने चमत्कार दिखाए थे और लोगों को उपदेश दिए थे। इतना ही नहीं, इसी जगह पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था जिसके बाद वो फिर से जिंदा हो गए थे और कुछ दिनों तक उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया था जिसके बाद वो स्वर्ग चले गए। यहूदी धर्म में इस जगह का काफी महत्व है और इस धर्म के लोगों का विश्वास था कि ये जगह धरती का केंद्र है और इसलिए इस जगह पर उनके भगवान का निवास है।
इस जगह पर ही राजा सोलोमन द्वारा बनाया गया टेंपल माउंट है और मंदिर को इस धर्म में एक पवित्र स्थान हासिल है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।